परिवार वाले 4 साल से जिसे मृत समझ रहे थे वो शख्स मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद है। घर वालों को जब पता लगा कि वो जिंदा है और जेल में बंद है तो खुशी से झूम उठे। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले नूर मोहम्मद की। नूर पिछले 4 साल से मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद है। नूर के बेटे जलील को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागा भागा मुजफ्फरपुर पहुंचा और जेल अधिकारियों की मदद से अपने पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। जलील अब अपने पिता नूर की जमानत की प्रक्रिया में जुट गया है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले हथौड़ी थाने की पुलिस ने नूर को बच्चा चोरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से वो जेल में ही बंद है। आज तक कोई भी खोज खबर लेने नहीं आया क्योंकि परिजनों को उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वे लोग तो उन्हें मृत समझकर जीवन जीने लगे थे। नूर के वकील खोमा परवीन के मुताबिक नूर हिंदी नहीं समझता है, इसलिए पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर सकी। खोमा परवीन ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने उन्हें 3 महीने पहले नूर मोहम्मद के केस की पैरवी करने को कहा था। इसके बाद उन्होंने केस से संबंधित कागजातों को खंगाला। कड़ी मशक्कत के बाद नूर के परिवार की उन्होंने जानकारी जुटाई और परिजनों को इसकी सूचना दी। वकील ने बताया कि जल्द ही नूर को जमानत मिल जाएगी। मर गया, ये ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, उसका बात छोड़ दिया। एक यहाँ से मिल गया, बड़ा खुश हो गया मेरा मेरा पापा के लिए। कब से वो लापता थे? 1 सप्ताह पहले दीदी बोला। नहीं, कब से लापता थे? 4 साल, कितना साल पहले? 5 साल, पता नहीं मेरा पापा। 5 साल करते क्या काम करते? आप लोग बंगाल के रहने वाले, यहाँ क्यों हैं? मिस्त्री का काम कर रहा है। वो ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया उसका, इसलिए वो पैदल से आ रहा हूँ, गाड़ी पे नहीं आऊँ, पैदल से आया। कैसे पहुँचे थे यहाँ पे? यहाँ पे तो वो पैदल से आया हूँ, यहाँ तो अभी कल शाम को गाड़ी पकड़ लेगा। मानसिक रूप से भी बीमार वगैरह थे क्या? मानसिक बीमार थे? हाँ जी। क्या नाम था है उनका? पिता का नाम क्या? पिता का नाम नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। आपका क्या नाम हुआ? जलील खान। अब कैसा लग रहा है आज मिले हैं अपने? बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। मैं होमा परवीन अधिवक्ता, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, PLSA मुजफ्फरपुर में भी मैं पैनल लेयर। 4 साल से एक अभियुक्त नूर मोहम्मद खान जेल में है, जिसकी पैरवी करने के लिए हमको मिला 3 माह पहले DLSA मुजफ्फरपुर के द्वारा। मैं इसकी पैरवी करने के लिए उसका डायरी देखी, केस देखी, FIR देखी, तो उसमें राज नहीं था लिखा हुआ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और इसकी भी भाषा भी नहीं, नूर मोहम्मद की भाषा पश्चिम बंगाल की है, जो ना तो हम लोग समझ पा रहे थे और ना ही हमारी भाषा वो समझ पा रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब मैं गई वहाँ जेल पे उससे मिलने, 2 घंटा तक उससे बात की, लेकिन उसकी भाषा ना समझने की वजह से कुछ भी नहीं समझ पाई और ना ही वो मेरी बात समझ पा रहा था, जिस वजह से वो रोने भी लगा। फिर वो जो भी कुछ बोल रहा था वो गलत सही जो मेरे को समझ में आया या ना आया, मैं सबको नोट करती गई। यहाँ आकर मैं 2-3 महीने से इस पर काम कर रही हूँ, सबको नेट पे सर्च करती गई। नेट पे सर्च करते हैं, कोई कह रहा था कि ये त्रिपुरा का है, कोई कह रहा था आसाम का है, कोई कह रहा था पश्चिम बंगाल का है, कुछ लोग तो कह रहे थे कि आतंकवादी है। खैर, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल तीनों स्टेट में मैं सर्च करते करते पता चला ये पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, वहाँ के BDO से बात हुई, बोड़वा थाना पड़ता है लोग का, वहाँ के थानेदार से भी बात हुई, तो पता चला कि ये बोड़वा थाना का है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। और उन लोगों की सहायता से ही इन लोगों का नंबर मिला और इन लोगों से बात हुई। इन लोगों से बात करके पता चला ये लोग कह रहे थे कि हम लोग तो समझे मेरे पिता मर गए। तो हमने कहा नहीं, तुम्हारे पिता यहाँ है, कस्टडी में है, तुम लोग मिलना चाहोगे? ये लोग खुशी से बोला हाँ, हम लोग मिलना चाहेंगे। बहुत खुश हुए कि हमारे पता चला कि हमारे पिता जिंदा है। 1 हफ्ता पहले इन लोगों से बात हुई, आज ये लोग आए हैं और मिले हैं नूर मोहम्मद खान से। कस्टडी से जेल पे ले गई हूँ इन लोगों को, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर कारावास पे ले गई हूँ, मिलवाई हूँ। ये लोग देखकर और नूर मोहम्मद, इनको देखकर, दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोने लगे। फिर किसी तरह से चुप कराकर फिर यहाँ लाई हूँ
और अब आगे बेल बेल की प्रक्रिया करूंगी और इंशाल्लाह आगे जो भी हो। क्या मामला क्या था और क्यों इनको कस्टडी में लिया? 363 ए का मामला है, ये हथौड़ी थाना का है मामला। 300 क्या है मामला? 363 ए में है कि भीख मांगने के प्रयोजन से बच्चे का किडनैप, उस मामले में इनको जेल भेज दिया गया। इनको 4 साल पहले जेल